हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कल जहाँ पर मैंने वीडियो ख़त्म किया था वहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का समय हो रहा था और थोड़ा थोड़ा होता है ना, जो शाम को थोड़ा थोड़ा वाला भूख लगा, तो वहीं भूख लगा था सबको। और उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने पोहा जो होता है ना चूड़ा, उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था मूँगफली वगैरह डाल के। और मैं नमकीन लेकर के आई थी, वो मैंने डाल दिया उसमें और प्याज कट करके डाल दिया। और क्योंकि नमक इसमें था ऑलरेडी, चूड़ा में भी था और नमकीन भी था, तो नमक वगैरह मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। और बच्चों के लिए गर्म किया था दूध, उसमें मिलाया था हॉर्लिक्स, और अपने लिए देखिए मैंने बनाया है चाय। तो हमारा शाम का नाश्ता यही हो गया। बहुत ही क्विक रेसिपी है इसकी और बहुत ही इजीली बन जाता है। चूड़ा के जगह पे आप चाहें तो मुरमुरे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे हम और बच्चे बैठ कर के खा रहे हैं। और यहाँ और डिनर में मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि दिन की ही सब्जी जो थी आलू शिमला मिर्च की वो रखी हुई थी, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि दिन में हम लोगों ने वेज बिरयानी खा ली थी, तो दिन में कोई ज़्यादा खाया नहीं था अच्छे से ढंग से। तो फिर रात को वहीं हम लोग खा लिए थे। और साथ में ये है कचालू, बॉयल्ड आलू है और इसमें मैंने दही मिलाया है, थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। बहुत ही टेस्टी बनता है, हमारे तरफ यूपी बिहार में बहुत लोग पसंद करते हैं, तो वहीं शाम को मैंने बना लिया था। और ट्यूसडे को मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। और शाम को जो अप्पम पैन लेके आई थी ना, उसके ही मैंने ये अप्पे बनाई थी। और ये मैं धनिया वाली चटनी थी और चाय थी, तो कभी कभी बच्चों को भी थोड़ा बहुत चाय पीने का मन करता है, तो मैंने बच्चों को भी चाय दे दिया है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए।